सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। दोस्तों, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो इस पाकिस्तानी सोल्जर का यह डायलॉग तो आपको बखूबी याद होगा। मतलब एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि क्या होता अगर उसकी ये बात सच हो जाती। वेल, इट्स क्वाइट स्कैरी, इजंट इट? बट थैंकफुली हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया और मात्र 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के 2000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को ना ही सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि 1971 की वो मशहूर लोंगेवाला की जंग भी जीत ली। आज हम भारतवासी मना रहे हैं अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे और इसी के साथ इस साल हमें वो लोंगेवाला की जंग जीते हुए भी 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस अवसर पर आपको लेके चलते हैं एक अमेजिंग जर्नी पे, जिसे देखने के बाद आपको ना ही सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस पे बल्कि अपने खुद के भारतीय होने पर भी बहुत गर्व महसूस होगा। आप में से काफ़ी लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे कि जब बात आज़ादी की हो तो इसे एक मोटरसाइकिल पर ही सबसे अच्छे से महसूस किया जा सकता है। तो इस जर्नी के लिए हमने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स एडिशन को चूज़ किया, क्योंकि लोंगेवाला जैसी जगह जाने के लिए अगर बाइक भी इंडियन आर्मी से इंस्पायर्ड हो तो क्या ही कहने। इसी के साथ साथ क्लासिक 350 इज द बेस्ट सेलिंग बाइक ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन, और ये चीज इसे और खास बनाती है। हमने अपने सफर की शुरुआत दिल्ली से की और क्योंकि जैसलमेर की दूरी यहां से तकरीबन 825 किलोमीटर है, इस वजह से हमें ये डिस्टेंस कवर करने में 2 दिन का समय लगा। जैसलमेर एंटर होने के कुछ ही किलोमीटर पहले ऑन द राइट साइड देर इज अ जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जहां पर यू कैन सी इंडियन आर्मी के मिलिट्री व्हीकल्स जिन्होंने 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें शामिल है काफ़ी आक्रामक T-55 टैंक एंड ऑल्सो इंडियन एयरफोर्स का हंटर फाइटर जेट, जिसने जंग में पाकिस्तानी आर्मी की T-59 टैंक रेजिमेंट का सफाया कर दिया था। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स भी यहाँ रखे गए हैं। इसी के साथ इस म्यूजियम में एक छोटा सा थिएटर भी है, जहाँ आप इंडिया पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी एक काफ़ी इंस्पायरिंग शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। जैसलमेर वॉर म्यूजियम विजिट के बाद इट वॉज टाइम टू कॉल इट अ डे। हमारी जर्नी के तीसरे दिन हम सुबह 7 बजे जैसलमेर से निकले और हमारा पहला पड़ाव था तनोट माता मंदिर। जैसलमेर से निकलने के कुछ ही दूर बाद आपको दिखेंगी सैकड़ों विंड मिल्स जो यहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए लगाई गई हैं, और ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट विंड फार्म्स का हिस्सा हैं। अब इस वीडियो में हो सकता है आपको इनका साइज ज्यादा बड़ा ना लगे, बट इन रियल दीज आर रियली मैसिव। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर तक का रास्ता वैसे तो स्मूथ है, लेकिन बीच बीच में आपको काफ़ी जगह रोड कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से स्लो होना पड़ेगा। जैसलमेर से करीब 60 किलोमीटर दूर रामगढ़ में इस रूट का लास्ट पेट्रोल पंप है, और इसी के साथ ये इंडिया का भी आखिरी पेट्रोल पंप है बिफोर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये इसके आगे कोई पेट्रोल पंप है? नहीं है सर, ये आखिरी है। ये आखिरी है, इंडिया का आखिरी पेट्रोल पंप है मतलब? आखिरी पंप है। अच्छा, आगे कुछ नहीं बोल रहे, इसे आगे बनाने नहीं देगा पेट्रोल पंप, ये आखिरी लास्ट। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और कोई नाश्ते पानी के लिए कोई जगह? वो 2 किलोमीटर आगे बड़ा शहर रामगढ़ आएगा, उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, पानी पीने का नहीं मिलेगा उससे आगे, उससे आगे पानी का भी नहीं मिलेगा। इस पेट्रोल पंप से अराउंड 2 किलोमीटर आगे रामगढ़ शहर है, विच इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ जैसलमेर तनोट माता टेम्पल रूट, एंड ये इनफैक्ट एक अच्छा स्पॉट है टू टेक अ ब्रेक एंड हैव फूड।
आधा घंटा रुककर हम वापस निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ एंड आफ्टर अ 50 मिनट राइड हम फाइनली पहुंच गए तनोट माता टेम्पल। तो दोस्तों अब हम आ गए तनोट माता के मंदिर में जिसकी दूरी जैसलमेर से 120 किलोमीटर है। इस मंदिर के पीछे की रोचक कहानी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने लगभग 3000 बम गिराए थे और उसमें से 450 बम इस मंदिर के आसपास गिरे थे और इसके पीछे चमत्कार ये हुआ था कि उनमें से एक भी बम नहीं फटा था। उसी के बाद से BSF के जवानों में ये मान्यता है कि तनोट माता उनकी सालों से रक्षा कर रही हैं और यही रीज़न है कि BSF के जवान आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और इनफैक्ट इस मंदिर की पूरी देखरेख का जिम्मा BSF ने ही ले रखा है। इसी के साथ 1971 लोंगेवाला जंग की जीत की खुशी में हमारे सोल्जर्स ने यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया। इस मंदिर के अंदर आज भी वो बॉम्ब रखे हुए हैं जो पाकिस्तान ने बरसाए थे और वो एक्सप्लोड नहीं हुए थे। इस मंदिर में आने वाले भक्त सफेद रुमाल बांधकर मन्नत मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाला जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। सो दोस्तों हमने तनोट माता मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं लोंगेवाला। सो जो रोड तनोट माता मंदिर को लोंगेवाला से कनेक्ट करता है दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो अगर आप एक कार या बाइक लवर हैं, कार या बाइक एंथुजियास्ट हैं, तो इस रोड के ऊपर राइड या ड्राइव करते हुए आपको बहुत मजा आने वाला है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस रोड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसा कि आप देख सकते हैं NH70 का ये सेक्शन ऑफर करता है एक बेहतरीन स्ट्रेच एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट रोड दैट वी हैव सीन इन इंडिया टिल डेट। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाने के लिए आपको BSF हेडक्वार्टर जैसलमेर से परमिशन लेके आना होगा। 15 अगस्त की टाइट सिक्योरिटी और डिफेंस के कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से हम बॉर्डर विजिट नहीं कर पाए, लेकिन BSF ने हमें नेक्स्ट टाइम बॉर्डर विजिट करवाने का आश्वासन दिया। बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक की वजह से आपको तनोट से लोंगेवाला वॉर म्यूजियम तक जाने में बस 25-30 मिनट तक का समय लगेगा। इस म्यूजियम में आपको पाकिस्तानी आर्मी के डिस्ट्रॉयड टैंक्स देखने को मिलेंगे जिनमें T-59 और M4 शर्मन शामिल हैं। सो ये व्हीकल जो आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इसे नाम दिया गया है रिकॉयलेस राइफल या फिर रिकॉयलेस एंटी टैंक गन। इसने अपनी काफ़ी अच्छी खासी भूमिका निभाई थी इंडो पाक के 1948, 1965 एंड 1971 वॉर में। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है इस व्हीकल का यूज़ किया जाता है दुश्मन के टैंक्स को उड़ाने या फिर उन्हें बर्बाद करने में। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर व्हीकल महिंद्रा की जीप के ऊपर बेस्ड है और 1971 के वॉर में इसने काफ़ी अच्छा खासा योगदान दिया था पाकिस्तान आर्मी के कुछ टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में। इसके साथ इंडियन आर्मी ने 1971 की जंग में जो इक्विपमेंट और वेपन्स यूज किए थे उन्हें भी आप यहां देख सकते हैं। इस म्यूजियम में लोंगेवाला बैटल की डिटेल्स और उस समय की काफी तस्वीरें भी हैं जिन्हें देखकर आप हमारे सैनिकों के साहस और पराक्रम का अंदाजा लगा सकते हैं। इस म्यूजियम के ठीक सामने इंडियन आर्मी द्वारा संचालित लोंगेवाला कैफे है विच इज इंडियाज लास्ट वेस्टर्न कैफे।
नमन है भारत माता के उन शूरवीरों को जो दिन रात जागकर पूरी मुस्तैदी से हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं ताकि आप और मैं चैन से सो सकें। सो ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे दिस वीडियो इज अ ट्रिब्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। ऑल्सो मुझे लगता है दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू से गुड बाय टू द करेंट जनरेशन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, क्योंकि इसका नया नेक्स्ट जनरेशन मॉडल कुछ ही दिनों में भारत में लॉन्च होने वाला है। Until next time, this is Pradeep Shah signing off. Jai Hind, Jai Bharat.